किरदार नहीं निभाना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया। एमपी के इटारसी की मुस्कान इन दिनों अपने घर आई हुई हैं, जहां हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इन दिनों अनुपमा सीरियल में पाकी का किरदार निभाने वाली मुस्कान मामले हमारे साथ है, उनसे ही जानना चाहेंगे वे किस प्रकार का किरदार था जिसको लेकर उनको खासा लोगों का प्यार और उत्साह मिल रहा है। सबसे पहले मैं राजन सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अनुपमा में काम करने का और मुझे पाखी का किरदार निभाने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने इन 3 सालों में काफ़ी कुछ सीखा है, पाखी के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे वो थी बचपन से, मतलब जो पाखी का किरदार जहाँ से शुरू हुआ था, एक स्कूल गोइंग गर्ल, फिर वो कॉलेज में गई, फिर उसकी शादी हुई, तो काफ़ी सारे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं पाखी की लाइफ में, तो वो मुझे सब करने में बहुत मज़ा आया, मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। सीरियल को छोड़ने का क्या रीज़न रहा? एक्चुअली लीप के बाद, जैसे कि पहले बताया गया था कि पाखी माँ नहीं बन सकती, उसके बाद लीप के पहले बताया गया कि कुछ प्रोसेस है उसके थ्रू वो माँ बन सकती है, बट लीप के बाद ऐसा दिखाया कि जो पाखी की बेटी है वो अडॉप्टेड है, और मैं एक मदर का कैरेक्टर प्ले करने में कंफर्टेबल नहीं थी, मेरा मन नहीं था कि मैं इतने जल्दी एक मदर का कैरेक्टर करूं, तो यही बेसिकली थोड़ी वजह रही है, और पाखी का कैरेक्टर भी वैसा ही रहा है। पाखी का जो कैरेक्टर रहा है, काफ़ी आपने देखा होगा कि अनुपमा में वो सबसे छोटी बेटी बनी हुई है, और काफ़ी आपने देखा हुआ है उसमें जो रोल दिया हुआ था काफ़ी अलग मिला हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी टोल भी हुए थे, उसको कैसा लगता है उस किरदार को और आपके किरदार? मुझे ट्रोल तो काफ़ी मिला, ट्रोल नहीं मतलब लोगों का हेट बहुत मिला, बट कैरेक्टर ही वैसा था कि लोग हेट करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एज एन एक्टर ये सुकून मतलब तसल्ली थी कि नहीं चलो मैंने काम अच्छा किया है थोड़ा बहुत, तो लोग हेट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता था कि लोग हेट कर रहे हैं, मज़ा आता था, बट कभी कभी ऐसा लगता था यार मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, मुझे हेट मत करो, बट इट्स ओके। ये है मुस्कान मामले जो हमारे साथ बातचीत करी हुई है, बंसल न्यूज़ के लिए राकेश पटेल, इटारसी। अपने दमदार अभिनय के साथ में सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले एक्टर सोनू सूद